नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी औषधि वृक्ष पेड़ से परिचित करा के उसके औषधि प्रयोग बताऊंगा, जो एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को उठा सकता है, मरते हुए को बचा सकता है, 80 साल के बुढ़ापे में भी जवानी दोबारा लौटा सकता है। इतना तेज पावरफुल है कि खाते ही उत्तेजना बढ़ जाती है, खुद को संभाल नहीं पाओगे, असर कभी भूल नहीं पाओगे। इतना ताकतवर ताकत का खजाना है इस वृक्ष की औषधि। तो बने रहें वीडियो में दोस्तों, शुरू से लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी लाभ नहीं करती। वैसे भी आज जो बता रहा हूँ औषधि पेड़ के बारे में, वह बहुत ही खतरनाक भी है और जहरीला भी है। लेकिन जो पेड़ जितना खतरनाक जहरीला होता है, उतने ही ज़्यादा ताकत का खजाना या ज़्यादा अमृत उससे प्राप्त होता है। यह शाश्वत सत्य है। अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से समुद्र मंथन करके अनेक प्रकार से विष को निकाल करके, जहर को बाहर निकाल करके, सबसे लास्ट में जो मिलता है वह अमृत मिलता है, अमृत का घड़ा मिलता है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी जितने भी जहरीला फल होते हैं, जहरीले पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनके अंदर इतनी अच्छी अमृत भरी होती है, जिसे लोग बाहर के जहरीला चीज़ों को देख करके दूर भाग जाते हैं और उसके फायदा से वंचित रह जाते हैं। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और पूरी तरह से समझ लेते हो, समझने के बाद उसका प्रयोग भली भांति अच्छे से किसी वैद्य के निरीक्षक में या फिर उनसे परामर्श लेकर सही प्रयोग कर लेते हो, तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, 80 साल के बुढ़ापे में जो बूढ़ा व्यक्ति जीने की उम्मीद छोड़ चुका होता है, मरने की आस लगाए हुए बैठे रहता है, अगर उसको भी खिलाया जाए तो वह भी 25-30 उम्र की नौजवान की भांति जोशीला फुर्तीला और नौजवान का सुख पा सकता है। इतना दमदार और तेज औषधि है आज का जो बताने वाला हूँ भिलावा के बारे में, इसका औषधि प्रयोग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं भिलावा के बारे में सभी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। यह भिलावा जंगली क्षेत्र में, जंगलों में पाया जाता है और इसके फल काजू के फल के समान मिलते जुलते हैं, क्योंकि यह काजू की श्रेणी का ही पेड़ है, लेकिन काजू से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और बहुत खतरनाक भी है। तो इसे किस तरह से फ़ायदा लेना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसके फल को तोड़ते भी हो तो हाथ में ग्लव्स पहन करके तोड़ा कीजिए, जिससे इसके जो फल का तेल है, यानी फल को अगर पकड़ोगे तो उससे जो रस निकलेगा, तेल निकलेगा, वह भी घातक होता है। अगर चमड़ी पर लग जाए तो अगर तुरंत साफ भी कर लेते हो तो तुरंत असर भी ना मिले, लेकिन इसका असर एक महीने के बाद भी निकलता है। किसी किसी को तुरंत हो जाता है, किसी किसी को कुछ दिन बाद, तो किसी को बहुत दिनों के बाद, यानी इसका असर होता ज़रूर है। और किसी किसी को उसके शरीर के प्रकृति के हिसाब से असर भी नहीं होता है, ऐसे भी बात नहीं है कि हर किसी को होगा ही होगा। अगर किसी को भिलवा का तेल लग जाए हाथ में पैर में और उसका दुष्परिणाम निकलने लगे, फोले फफोड़े घाव बन जाए, तो उसमें आप नारियल का तेल लगाइए, शुद्ध नारियल का तेल, आसानी से ठीक हो जाता है। तो इसके जो औषधि गुण है, इसके छाल में भी होते हैं। भिलावा के जो पेड़ की छाल होता है, उस छाल को कूट पीस करके लेप करने से, सेकाई करने से किसी भी प्रकार का सूजन, दर्द, चोट मोच ठीक हो जाता है 24 घंटे के अंदर। भिलावा के फल का जो फूल वाला भाग होता है, जो गुदा वाला भाग होता है, उसे ऐसे ही तोड़ करके सुखा करके खाया जाता है। वो बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। अगर इसे दूध में उबाल करके प्रतिदिन खाया जाए तो शरीर को अद्भुत बल की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, भिलावा की है बीज होता है, उसे शुद्ध करने के लिए आपको गाय के मूत्र में, गौमूत्र में 24 घंटे के लिए डुबोना पड़ता है, और 24 घंटे डुबोने के बाद उसे धो करके फिर से गाय के ही दूध में
डाल करके रखना पड़ता है 24 घंटे के लिए। उसे फिर दूसरे तीसरे दिन दूध में डाला जाता है। यानी सबसे पहले आपको जितना भी भिलावा का बीज लेना है उतना ले लीजिए और गाय के मूत्र में डाल करके 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे के बाद आपको उसे निकाल करके धो करके दूध में डालना है और दूध में 24 घंटे के लिए रखना है और फिर दूध से निकाल करके धो करके फिर नए ताज़े दूध में डालना है। दूध में आपको 3 दिन तक डालना है और गाय के मूत्र में सबसे पहले दिन 24 घंटे के लिए डालना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, चौथे दिन पूरे होने तक यह भिलावा का बीज शुद्ध हो जाता है, इसका जो जहरीला पदार्थ है वह निकल जाता है और इसका जो अमृत है वह बच जाता है, यानी इसका मंथन हो जाता है। इससे अमृत आपके सामने है, आप इसे औषधि प्रयोग कर सकते हो। ये जो बची हुई जो 4 दिन के बाद आपके सामने दूध से निकाल के आप देखोगे, उस बीज को आप सुखा करके या तो पाउडर बना के रख लीजिए या फिर उसका अवलेह बनाना है तो उसे उबाल करके उसका काढ़ा तैयार कर लीजिए और उस काढ़े में दूध डाल के उसका मावा तैयार कर लीजिए। उस मावे में घी डाल के उसे पका लीजिए और पकाने के बाद जो रबड़ी निकलेगा उस रबड़ी को मिश्री के साथ 1-1 ग्राम की मात्रा में या 10-5 ग्राम की मात्रा में, जिसको जितना सूट कर जाए उतने मात्रा में, अगर आप खाली पेट खाना खाने से आधा 1 घंटे पहले सुबह शाम खाते हैं तो यह आपके शरीर में एक अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा। 80 साल के बुढ़ापे में भी जवानी लौटाएगा और किसी भी प्रकार की हताश निराश मर चुके व्यक्ति को, मतलब मरे के समान हो चुके व्यक्ति को भी एक नई जिंदगी दे देता है। शरीर में एक ऊर्जा, तेज, बल, वीर्य, कांति, हर एक चीज़ की बढ़ोतरी होती है और शुक्राणुओं की संख्या इतनी अधिक बढ़ती है कि नामर्द भी मर्द बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका अवलेह कैसे तैयार करना है और इसका चूर्ण कैसे तैयार करना है। आप चूर्ण बनाए रहोगे, उस चूर्ण को आपको सुबह शाम या तो मिश्री के साथ खाइए या फिर गुड़ के साथ खा सकते हैं, 1-5 ग्राम या 5-10 ग्राम के बीच में। बस इतना सा है इस भिलावा से औषधि बनाने का प्रोसेस। समझ गए होंगे तो अच्छे से बना सकते हैं, नहीं समझे हैं तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। रिपीट देखने पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। दोस्तों, अगर कोई भिलवा के फ़ायदे लेना चाहता है और इन सभी झंझटों में नहीं पड़ना चाहता है, जैसे इसको शुद्ध करने का तरीका, जैसे गौमूत्र या गाय के दूध में डालने का प्रोसेस, इन सभी से बचना चाहता है और सीधे डायरेक्ट भिलवा का फ़ायदा लेना चाहता है और साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, इसके किसी भी प्रकार के दुष्परिणाम भी ना मिले, ऐसा अगर कोई सोचता है तो उसके लिए भी रास्ता है। आप डायरेक्टली किसी ब्रांडेड कंपनी से, जैसे बैद्यनाथ डाबर या फिर धन्वंतरी, कोई सा भी कंपनी से आप भिलवा का जो चूर्ण मिलता है दवाई दुकान में, औषधालय में, आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मिल जाएगा, पतंजलि स्टोर में भी मेरे ख्याल से मिल सकता है, तो आप जा करके पता करके पूछ के ले सकते हैं। भिलवा का चूर्ण या भिलावा का चूर्ण बोल करके अगर आप बोलोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। 10 ग्राम या 15 ग्राम का पैकेट रहता है और इस तरह से बोलने के बाद वहाँ से ले आइए और लाने के बाद उसे आप प्रतिदिन मिश्री के साथ या फिर गुड़ के साथ या शहद के साथ चाट लीजिए खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले। तो इस तरह सुबह शाम लेने के बाद भी आपको इतनी ही ताकत मिलेगी जितना आप इसे घर पर तैयार करके बनाओगे, क्योंकि वह भी बहुत ही अच्छे शास्त्रोक्त विधि से शुद्ध किया हुआ होता है और किसी भी प्रकार की उसमें उसका जहरीला अवशेष नहीं रहता है। तो आप डायरेक्टली औषधालय से जा कर के खरीद करके भिलवा का चूर्ण ले सकते हो और फ़ायदे उठा सकते हो। दोस्तों, अगर भिलावा से तेल निकालने का सोच रहे हैं तो जो पताल यंत्र का तेल निकालने का तरीका होता है उसी तरीके से आप इस भिलावा के बीज से भी तेल निकाल सकते हैं। जो पताल यंत्र के वीडियो नहीं देखे हैं किस तरह से पताल यंत्र के द्वारा किसी भी जहरीले फल से तेल निकाला जाता है, तो आप हमारे चैनल में धतूरे के बीज से हमने पताल यंत्र से तेल निकाल के बताया है।
उस वीडियो को देख लीजिए और तेल निकालने की विधि को समझ लीजिए। तो भिलावा की जानकारी मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।